लेकर निकला, हमें सहारा दिया। अब हम अमीर हो जाएंगे। अब मैं बहुत सारी डोरा केक्स खाऊंगा। मुझे लग रहा है जैसे मैं एक राजकुमारी हूँ। हमने कर दिखाया एक गोल्डन बुक। अरे वाह, मेरे पास खजाना है। नहीं, नोबिता को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं? तुम एक योद्धा हो, लेकिन तुम इतने डरपोक हो और तुमने कोई मदद भी नहीं की हमारी। ये तो गलत बात है। तुम लोग मुझे थोड़ा तो खजाना दे सकते थे ना। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। हाँ, ये सच में बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, वो अच्छी है। बिल्कुल बेकार है। ऐसा मत कहो नोबिता। सुनियो, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो खजाना तुम्हें मिला है वो तो नकली है। मैं तो असली का खजाना ढूंढूंगा और वो सब मेरा होगा। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब चीजें सिर्फ गेम्स और फिल्म्स में होती है नोबिता। ये सब सच ही होता है। ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पुराने समय में लोग नक्शे लेकर खजाना ढूंढने जाते थे। आज भी लोग यही करते हैं। कई लोग खजाना ढूंढने में माहिर होते हैं। देखा देखा, मैंने सही कहा था। नोबिता, पर खजाने का नक्शा कहाँ होगा? बात तो सही है, मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों, मैं तुम्हें खजाने का नक्शा दे सकता हूँ। इसे खाने से तुम्हें दुनिया में किसी भी जगह छिपे खजाने का बिल्कुल सही नक्शा दिखेगा। और अगर इसके साथ ही हम एज यू सी इट बेरे और ऑटोमेटिक ब्रश का इस्तेमाल करें तो वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। दोस्तों, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मैं कहूँगा। ये तो बदबूदार है। हाँ, होगा ही, क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, इसीलिए। तुम्हें रखो। अब क्या हो गया? तुम्हें खाना ही होगा। मुझे दिख रहा है। चलो शुरू करते हैं। मुझे दिख रहा है, वो देखो वहाँ। कमाल है। ये क्या लिखा है? जब आएगा ज्वार भाटा, द्वीप के पश्चिम की ओर होगा एक लंबी नाक वाला बुरा आदमी। उसकी नाक के दाईं ओर जब रंग को ठीक से हो पहचानना, घूरती आँखों के नीचे जाना और चुनना। याकुरो मारू। हाँ, क्या यही खजाने का नक्शा है? लेकिन ये जगह है कौन सी? नोबिता, ये कौन सा द्वीप है, समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम ये अब कह रहे हो? पता है वो चीज कितना बदबूदार था। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इस शेप को पहले भी कहीं देखा है। ये तो शायद स्कल आइलैंड है। लग भी वैसा ही रहा है। एटलस के हिसाब से देखते हैं। हाँ, ये रहा, ये देखो, ये रहा स्कल आइलैंड। क्या इस नाम का सच में एक आइलैंड भी है? और आज ही के दिन आता है ज्वार भाटा। क्या सच में? चलो हम वहाँ चलते हैं डोरेमोन। क्या पता वहाँ जाकर हमें खजाना मिल जाए और हम अमीर हो जाएं। ऐसे मौके कम आते हैं डोरेमोन। कल आइलैंड का खजाना। हाँ, मुझे तो लगा था यहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी हुई होंगी। ये जगह कितनी सुंदर है ना? बहुत पुरानी बात है, तब मुरैयामा नेवी इस जगह पर राज किया करती थी। ये नेवी क्या होती है? मुझे क्या पता। वो उस समय के समुद्री डाकू थे। समुद्री डाकू? ऐसा नहीं है, वो तो बस जहाज चलाते थे। वो देखो वहाँ नोबिता, हायाकुरु मारू का नाम लिखा हुआ है। ये मुरैयामा नेवी के सरदार का नाम था। तो यही वो आइलैंड है। अरे वाह, अब लग रहा है कि सच में कोई खजाने वाली बात है। सही कहा। मेरे हिसाब से हमें दो ग्रुप्स में बंट जाना चाहिए। जो पहले ढूंढेगा खजाना उसका हो जाएगा।
अच्छा आइडिया है, जो जीतेगा सब कुछ उसी का। तुम कहना क्या चाहते हो? एक कंपटीशन, अरे इसमें तो बहुत मजा आएगा। चलो फिर देखते हैं कौन अच्छा ड्रॉ करता है। लगता है मैं फिर से फंस जाऊंगा। ठीक है, इनमें से तीन लंबे हैं और तीन छोटे, जिसको जो भी मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये वाला चाहिए, नहीं वो वाला, नहीं ये वाला, मुझे कौन सा चाहिए, मैं कौन सा वाला लूं? जल्दी करो और चुनो। मैं क्या करूं? मैं जीत गया। अरे नहीं, डोरेमोन उनकी तरफ गया, ये तो गलत हो गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जियान, क्योंकि नोबिता भी उन्हीं की टीम में है। अरे हाँ, सही कहा। तुम लोग हम पर हंसे मत, जब तुम हारोगे ना तब मजा आएगा। ठीक है, मैंने थ्री डायमेंशनल पेपर पर इसकी एक कॉपी बना ली है, ताकि दोनों टीम एक साथ चल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं, द्वीप की पूर्व दिशा को भी छोड़ देते हैं, बाकी दिशाओं में ढूंढ लेते हैं। लंबी नाक वाली आत्मा अब कहाँ पर है? चलो चलकर उनसे पूछते हैं। सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे बच्चों कैसे हो, लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो। जी हम यहाँ पहली बार आए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कोई लंबी नाक वाली आत्मा भी है? क्या कहा, लंबी नाक वाली आत्मा? हाँ, हम हाकी मारू का खजाना ढूंढ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता, नहीं नहीं मैं नहीं जानता। बच्चों क्या तुम जानते भी हो कि इस जगह का नाम स्कल आइलैंड कैसे पड़ा? यहाँ हारे हुए सैनिकों की खोपड़ियाँ दबी हुई हैं, इसलिए। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शिजुका की बात सुनते ही उस बूढ़े आदमी का चेहरा मानो सफेद हो गया था। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है इसी तरफ चलना है? शायद ज्वारभाटा वो समय होता है जब लहरों की तेजी और उनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से शायद खजाने का रास्ता बस उसी दिन दिखता है। हाँ। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम्हारे पास हर चीज की अच्छी जानकारी होती है। हाँ? 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 सारे निशान तो एक ही तरफ को हैं। लेकिन हम अंदर किस तरफ से जाएंगे? देखते हैं। उस तरफ। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि लंबी नाक वाला भूत ये पत्थर ही है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी बात में सच्चाई है। भूत के दाईं तरफ जाना है, मतलब इस तरफ। चलो इस तरफ चलते हैं। तुम लाजवाब हो, चलो चलते हैं। हम ही जीतेंगे। ये द्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, पता नहीं ये लंबी नाक वाली आत्मा कहाँ मिलेगी। कहाँ कहाँ? हाँ वही है, देखो शिजुका वही है। ये तो एक गुफा ही है और वहाँ रास्ता भी है। लंबी नाक वाली आत्मा के दाई तरफ, मतलब ये रहा रास्ता। ये! अरे ये क्या है? ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। रंग को सही से पहचानना, कोई गलती मत करना दोस्तों। पहला कदम रखता हूँ। अरे याद है ना सुनियो, काला रंग गलत होता है। तो फिर इस बार सफेद को चुनते हैं। अरे मैं समझ गया, यहाँ रंग की नहीं बल्कि पुराने जमाने की बातों के बारे में बात की गई है। ये देखो। हाँ? यहाँ जमीन पर रंगों को नहीं बल्कि लिखी हुई बातों को पहचानना है। समझ गए? हाँ समझ गए, पर जितना मुझे पता है उसमें तो सिर्फ तीन अक्षर ही होते हैं, है ना? मेरे ख्याल से इसमें जियान कुछ और अक्षर भी होते हैं। कौन से अक्षर? हाँ? चलो देखते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। पहले शब्दों को जोड़ते जाएंगे और फिर उनका मतलब समझ आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे।
और अब क्या करें ढेकी सुगी? इसके बाद ये आएगा। अरे अरे नहीं, अब हम आगे नहीं जा सकते। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। नहीं, इसका मतलब ये उस पर से दाई और नहीं होना चाहिए था। हाँ शायद।